दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे कोई भी फोटो को बैकग्राउंड को एडिट किया जाता है, जो कि अभी अभी आप लोग स्क्रीन पर देखे हैं कैसे एडिट किया गया। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, और इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है स्नैपसीड, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। और जितना आपको फोटोशॉप में टूल्स मिलेगा उतना इस एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा, और उसको इस्तेमाल करके कोई भी फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो चलते हैं, फटाफट सीख लेते हैं। तो वैसे तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे प्ले स्टोर में एडिट करने के लिए फोटो, लेकिन ये अब तक का सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करना होगा, तो चलते हैं इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में क्लिक करके प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसके सर्च बार में टाइप करेंगे स्नैपसीड, स्नैप ऐप खाली डाउनलोड टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। होने के बाद देख सकते हैं इसका 4.6 का रेटिंग है, और 100 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड करा रखा है। तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, और इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल में। तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो इसको ओपन कर लेंगे, और इंस्टॉल करके आप भी ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का आइकन देखने को मिलेगा। तो इस प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 3 लाइनें दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद इसमें सारा आपका फाइल ओपन हो जाएगा, आपका गैलरी का, उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जिस भी फ़ोटो को आप एडिट करना चाहते हैं उस फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ एग्जांपल के लिए, उसके बाद इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये डायरेक्ट आपका स्नैपसीड एप्लीकेशन में इंपोर्ट हो जाएगा। तो होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो नीचे की तरफ टूल पर क्लिक करेंगे, और इस वजह से क्लिक करेंगे तो टूल्स में देख सकते हैं बहुत सारे टूल्स आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इसको इस्तेमाल करके कोई भी फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्रॉप पर क्लिक कर लेता हूँ। क्रॉप करके इस फोटो को क्रॉपिंग कर लेंगे, थोड़ा सा कट कर लेंगे और अपना जो भी है, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से जाएंगे टूल्स पे, और नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं डबल एक्सपोजर, इस पर क्लिक कर लेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं प्लस का आइकन देखने को मिलेगा। प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद फिर से अपने गैलरी में जाएंगे, 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, और जो भी आपका फ़ोटो बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अपने गैलरी से। अगर आपका गैलरी में नहीं हुआ तो जाकर आप गूगल से डाउनलोड कर लेंगे कोई भी फ़ोटो, नहीं तो मैं इसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। इस बैकग्राउंड को आप डाउनलोड कर लेंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं अपना इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने का फिर से ये इंपोर्ट हो जाएगा आपका स्नैपसीड में। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं एक आइकन देखने को मिलेगा छोटा सा, इस पर क्लिक करेंगे और इसका रेजुलेशन को पूरा बढ़ा लेंगे, फुल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ऊपर में शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं व्यू एडिट पर क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं डबल एक्सपोजर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ब्रश का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से देख सकते हैं इस ब्रश का आइकन से इसको ब्रश करेंगे, देख सकते हैं इसको फिलअप करेंगे, तो इसको जूमिंग कर लेंगे फ़ोटो को, और जैसे आपको अच्छा लगे जैसे सूटेबल हो वो कर लेंगे, और इसको फिलअप कर लेंगे। तो चलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ, तो नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से कर लेंगे जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं एरो का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इस फोटो को देख सकते हैं जूमिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं एडिट हो गया है। तो अपने हिसाब से कट कर लेंगे, अच्छा से कट करेंगे। मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखाया। उसके बाद फिर से टूल पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, देख सकते हैं ऊपर में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ट्यून इमेज पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस फोटो को ब्राइटनेस को, आपका फोटो ब्लैक होगा तो थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे, तो मेरा ठीक ठाक है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे। उसके बाद फिर इसको भी बढ़ा लेंगे, अपना देख लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, हाइलाइटिंग के थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, शैडो को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के बाद फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से टूल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं कर्व का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कर्व पर क्लिक करेंगे, और इस फोटो को अपना आपका फोटो ब्लैक होगा तो थोड़ा सा ब्राइटनेस कर लेंगे इसको बढ़ाकर। उसके बाद यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से टूल पर जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं सिलेक्टिव टूल पर जाएंगे, और यहाँ से देख सकते हैं आपका फ़ोटो ब्लैक होगा तो थोड़ा सा इसको भी इसका फेस को ब्राइटनेस कर लेना है। तो ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, कंट्रास्ट को कर लेना है, थोड़ा सा बढ़ा लेना है, और बढ़ाने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे।
देख सकते हैं आपका फ़ोटो एडिट हो जाएगा। फिर से टूल पर जाएंगे एक बार और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जाएंगे फिर से यहाँ डिटेल पर, और यहाँ पर भी जाके आपका देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर पर जाएंगे, थोड़ा सा इसको भी बढ़ा लेंगे और उसके बाद अपना हिसाब से कर लेंगे जिस हिसाब से आपका फ़ोटो होगा। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं इसको भी थोड़ा सा प्लस कर लेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपका फ़ोटो एडिट हो जाएगा। और उसके बाद देख सकते हैं सेव करने के लिए यहाँ देख सकते हैं आप जिस हिसाब से करना चाहते हैं, आपका फ़ोटो जिस आपका ब्लैक होगा तो थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा देंगे तो अपना जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे सेव करने के लिए, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये फ़ोटो आपका सेव होने लगेगा, सेव हो जाएगा देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप सेव कर सकते हैं और अपने फेसबुक पर जहाँ पर आपको शेयर करना हो शेयर कर सकते हैं। तो अब तक का सबसे